या करा बो या का सबसे सब पहले तो शौक तरीन आपको आपकी सारी टीम को जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये आज प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाया कि आज हम इसकी लॉन्च कर रहे हैं मैं आप सबको ख़ास तौर पर खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि असल में ये हमें चौहत्तर साल पहले ये प्रोग्राम शुरू करना चाहिए था देखिए मैं मैं ये समझता हूँ कि हमारे में हमने एक बड़ी चौहत्तर साल पहले बहुत बड़ी ग़लती की और मैं आपको बताता हूँ वो ग़लती क्या है हम ये समझते थे कि एक वक्त पे हमारा मुल्क खुशहाल हो जाए हमारे पास इतना पैसा आ जाए उसके बाद हम फिर एक पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाए और ये जो सोच है ना कि पहले पैसा इकट्ठा होगा पहले मुल्क में सरप्लस होगा हमारे पास पैसा होगा फिर वो हम गरीबों की तरफ लगाएंगे मैं ही समझता हूं ये समझता हूँ कि फंडामेंटली ग़लत फैसले थे देखिए मदीना की रियासत की हम क्यों मैं क्यों बात करता हूँ क्योंकि वो दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब मॉडल था और मॉडल की कामयाबी होती है जो उसके रिजल्ट्स देते हैं तो वो जो फिनोमेना हुआ था मदीना की रियासत के बाद ये एक तारीख का हिस्सा है ये कोई फैंटसी नहीं है या ये कोई मिथोलॉजी नहीं है ये फैक्ट्स और फिगर्स हैं हिस्टोरिकल कि एक सिविलाइजेशन जिसकी हैसियत नहीं थी वो एकदम राइज़ किया और उसने दुनिया की इमामत की और हज़ार साल तक दुनिया का प्रीमियर सिविलाइजेशन रहा तो मदीना की रियासत क्यों अल्लाह हमें क्यों अल्लाह हमें कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो उनकी शरिया पे चलो क्यों कहता है हमारी बेहतरी के लिए कहता है यह हमें गलत फहमी है कि हम अल्लाह को कोई फ़ायदा पहुँचा सकते हैं तो वो इसलिए हमें कहता है कि अगर आप उनके कैरेक्टर को फॉलो करेंगे तो कि इंसान का कैरेक्टर ऊपर चला जाएगा और वो वो एक अजीम इंसान बन जाएगा और अगर आप उनकी जो उन्होंने रियासत बनाई थी उसके असूलों पर चलेंगे आपकी रियासत उठ जाएगी मेरी ये, मेरा ये ईमान है कि जो मदीना की रियासत में तो हुआ था पहला पहले उन्होंने फ्लाई रियासत बनाई थी फिर खुशहाली आई थी ये बिल्कुल गलत हमें ख्याल है कि जो पहले पैसा आया था और फिर उन्होंने सारा निचले तबके को जो पहली दुनिया की तारीख की एक वेलफेयर स्टेट बनी थी वो वेलफेयर स्टेट बाद पहले बनी थी फिर खुशहाली आई थी क्योंकि अल्लाह की बरकत आती है जो हम अल्लाह में मानते हैं उसकी बरकत आती है उसकी उसकी जब वो खुश होता है कि आप उसकी इंसानियत के लिए कुछ करते हैं तो ऊपर से फिर वो आपकी मदद करता है क्योंकि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि देखते देखते दो सुपर पावर्स के बीच में एक एक कौम जिसकी हैसियत ही कुछ नहीं थी और डिवाइडेड थी ट्राइब्स के अंदर वो एकदम उठ गई और दोनों सुपर पावर्स उसके सामने कोलेप्स कर गया और वो दुनिया की टॉप सिविलाइजेशन बन गया तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत जिस कौम में इंसानियत होती है अल्लाह बरकत आती है उसके ऊपर और साथ साथ उसके इंसाफ ये दोनों अल्लाह के हुक्म है इंसाफ और इंसानियत ये बेसिस है एक सिविलाइज सिविलाइजेशन का अब आप दो कौमें देख लें एक ही जितनी आबादी दोनों की एक तरफ हिंदुस्तान दूसरी तरफ चाइना पैंतीस साल पहले देख लें चालीस साल पहले तकरीबन एक ही साथ थे दोनों आप उनके सोशल इंडिकेटर्स देख लें तकरीबन साथ, साथ थे वो आज चाइना आसमान पे पहुंच गया है और हिंदुस्तान में वो ही एक, एक जजीरा है बहुत अमीर लोगों का और नीचे ग़ुरबत है चाइना ने वो जो हम चाहते हैं चाइना ने वो असल में मदीना का मॉडल फॉलो किया उन्होंने नीचे से तबके को ऊपर उठाया और हम चाइना जब गया तो उन्होंने बकायदा बताया क्या स्टेप्स लिए गए कि उन्होंने अपने निचली तबके को क्या किस तरह ऊपर उठाया कैसे पॉवर्टी एलिविएशन में किया और फिर कैसे उन्होंने उन लोगों को बकायदा प्रोग्राम्स बना के दस साल पंद्रह साल बीस साल के प्रोग्राम्स बना के उन्होंने अपने निचले तबके को ऊपर उठाया और वो चीज़ की जो दुनिया की तारीख में कभी किसी ने नहीं की यानी जिन जिस जिन नंबर्स में उन्होंने गुरबत लोगों से ग़ुरबत से निकाला और फिर अभी शी जिनपिंग ने अनाउंस किया कि हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी ख़त्म कर दी तो आप वो वही देख लें कि हिंदुस्तान आज किधर है और वो चाइना किधर पहुंच गया सो so, हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने इस कॉम में जो हमें अडॉप्ट करने चाहिए थे जब हमने एक बहुत बड़ा हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कहा कि ये मिसाली इस्लामी फलाई रियासत बनेगी ये जो फैसला था उसके ऊपर कभी अमल ही नहीं हुआ और एक एलिटस्ट सिस्टम बन गया जो आप और चीज़ें छोड़ दें तालीम का निज़ाम ले लें ये कितनी बड़ी एक मुल्क की बदकस्मती है कि छोटे से तबके को आप इंग्लिश मीडियम पढ़ा दें और वो नौकरियाँ उनको दिलवा दें बाकी जो आपकी आवाम है वो वो बेचारी ऊपर ही नहीं आ सकती एजुकेशन अपार्ट हाइट। है क्या आप एक तबके के लिए एक तालीम दूसरों के लिए नीचे और फिर एक दीनी मदरस चल रहे हैं कभी किसी ने कोशिश नहीं की इसको सेंसाइज करने के लिए कि एक मुल्क है एक कौम है उसका कोर्स सिलेबस तो एक हो लेकिन क्योंकि हमारी तरह की एलीट फायदा उठा रही थी उससे हमारे बच्चों को अच्छी नौकरियां मिल रही थी हमें कोई इंसेंटिव नहीं था कि चेंज करें सिस्टम क्योंकि नीचे जो और फिर नीचे से जो ऊपर आता था जो लोग उर्दू मीडियम से पढ़ के एवेंचुअली अपनी ज़िंदगी बेहतर कर ली वो अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम में भेज देते थे उनको भी जब वो जब वो पार्लियामेंट में भी आ जाते थे वो उधर पहुंच जाते थे जिधर वो फैसले कर सकते थे तब भी उन्होंने वो सिस्टम नहीं चेंज किया क्योंकि वो फिर बेनिफिशरी बन गए इस एलिटस सिस्टम के और इसलिए मैं शफकत आपको ख़ास तौर पर ये हराज तहसन पेश करता हूँ जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हमने अब ये बड़ा मुश्किल अटैम्प्ट किया चेंज करने का ये सिस्टम कि हमने एक कोर्स सिलेबस एक बनाया और और कितनी आवाज़ें आ रही हैं इसको ऑब्जेक्ट करने के लिए शर्म नहीं आती इन लोगों को कि आपको पता है कि नाइंसाफ़ी का सिस्टम है उसके बाद भी कमेंट कर रहे हैं जी पीछे लेके जा रहे हैं लोगों को यानी कि समझ नहीं आए कि पीछे कैसे जा रहे हैं अगर आप सरों को लेवल प्लेंग फील्ड देंगे कि वो भी अंग्रेज़ी सीखें तो पीछे कैसे जा रहे हैं दूसरी चीज़ जो शौकत है बात की कि हमारा जो सिस्टम बन चुका है वो सारा एलीट के लिए बन चुका है कर्जे हैं तो पैसे वाले लोगों के लिए घर बनाएंगे तो पैसे वाले लोग लोगों में होनी चाहिए तालीम पैसे वाले इंसाफ का निज़ाम सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए गरीब आदमी और एक ताकतवर का मुकाबला हो जाए अदालत में वो कभी गरीब जीत ही नहीं सकता उसको इंसाफ ही नहीं मिल सकता सो सारा सिस्टम केटर करता है छोटे से लोगों को ये कभी माशा ऊपर नहीं जा सकता जब तक हम फंडामेंटली हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होता माशरा ऊपर नहीं जा सकता मैं बड़ा सोचता था कि सेवनटीन में 1700 में हिंदुस्तान का जो जीडीपी था वो 24 फीसद था दुनिया का तो मैं सोचता था कि ये कैसे पीछे रह गया तो एक बर्नियर है जो कि जो सिक्सटीन में जो शाहजहान के शाहजहान के कोर्ट में जाता और वो फिजिशन बन जाता है वहाँ तो उसकी डायरीज हैं कि वो कोर्ट की लाइफ क्या थी तो उसमें बड़ी ज़बरदस्त इंसाइट मिलती है कि हम क्यों पीछे चले गए उस वक्त सुपर पावर थे मुग़ल दुनिया की सुपर पावर माने जाते थे वो तो वो जब वो डिस्क्राइब करता है वहाँ की दुनिया और फिर वो कंपेयर करता है कि फ्रांस में क्या हो रहा है और वो फ्रांस में क्या हालात थे और उधर क्या हालात थे आ, हिंदुस्तान में तो पहले तो वो बादशाह का बताता है कि उसके पास जिस तरह के जो आ, वसायल थे पैसे थे हीरे ज्वेलरी सब कुछ कहता है वो मुकाबला ही नहीं कर सकता था फ्रांस उसे उनका बादशाह यानी जिस तरह की वो अमीरी थी वो, उसके बादशाह मुग़ल बादशाह फिर उसके प्रिंसेस थे फिर उनका सारा लेकिन उसने जो असल बात की उसने कहा जब मैं दिल्ली में जाता था और मैं उसको कंपेयर करता था पेरिस से तो पेरिस में जब आप सड़क पे फिरते थे तो सात ऐसे लोग होते थे जिनके कपड़े अच्छे होते थे और तीन होते थे जो कि गरीब होते थे लेकिन कहता जब मैं दिल्ली की सड़क में फिरता था तो छह ऐसे लोग होते थे जिनके कपड़े फटे हुए और जो गरीब होते थे और सिर्फ तीन या चार होते थे जिनके अच्छे कपड़े थे तो बेसिकली जब एक इनक्वालिटी होती है सोसाइटी में ये बेसिस होता है उसका नीचे जाने का कोई भी माशा नहीं कामयाब हो सकता जिधर एक अमीरों का एक जजीरे हो और गरीबों का समंदर हो कोई माशा नहीं कामयाब हो सकता तो हमारी क्या कोशिश है वो अपना ज़रा माइंड सेट और मुल्क की प्रायोरिटीज़ चेंज करें कि ये जो नीचे तबका है जिसके लिए ना हम हम आपको पता है कोई घर ही बेचारे नहीं बना सकते कोई सिस्टम ही नहीं था लोन देने का गरीब को गरीबों को तो छोड़ें जो हमारी प्रोफेशनल क्लासेज हैं गरीब आ, जो हमारे लोअर मिडिल क्लासेज हैं जो मिडिल क्लासेज हैं वो भी घर नहीं बना कैश है तो घर बनाओ या कोई सिस्टम ही नहीं था हाउस फाइनेंसिंग का और फिर जब हमने ये किया और बड़ी मुश्किलों से बड़ी देर लगी रुकावटें दूर करते करते कि क्यों नहीं फाइनेंस जा रहा नीचे तो हमने फिर रियलाइज़ किया फाइनली जब तैयार भी हो गया सिस्टम हमने कानून भी वो फो लॉ का जो कानून था वो जो फंसा हुआ था बड़ी देर से वो भी किसी ने कोशिश नहीं की उसको उसको आ, वो स्टे ऑर्डर ख़त्म करने के लिए तो जब हो भी क्या फिर भी जो हमारे बैंक्स थे उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही उनकी ट्रेनिंग ही नहीं थी छोटे लोगों को कर्जे देने के लिए तो वो छोटे लोगों को कर्जे नहीं मिलते थे हमने फिर जब रिव्यू करते थे तो इसलिए ये बड़ा ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया और शौ शौक त्रीन आपकी इसलिए क्योंकि बैंकिंग में आपका एक्सपीरियंस था तो इसलिए फिर ये जो माइक्रो फाइनेंस की तरफ आए और जिस तरह जिसवत का बड़ा ज़बरदस्त उनकी तजर्बा और एक्सपीरियंस है तो बजाय हमने हमने रियलाइज़ किया कि बैंक्स जब तक सीखेंगे छोटे लोगों को कर्जे देने में तब तक तो हमारे पाँच साल भी पूरे हो जाएंगे तब हमने फिर सोचा कि हम माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ को लेकर जो शौके तरीन का आइडिया था और अब इन ये जो ये जो कामयाब पाकिस्तान है ये एक लैंडमार्क पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा प्रोग ये शुरू कर रहे हैं हम जो जो मैं समझता हूँ कि हर कामयाबी तो अल्लाह देता है कोशिश इंसान की है कि मैं ये सम, समझता हूँ कि जब आप उस तरफ़ लग जाएँ जधर आम आदमी की ज़िंदगी आप बेहतर करें जधर गरीब आदमी की दुआएँ लगें तो उसी माशरे में अल्लाह की बरकत आती है मैं सिर्फ अपना तजर्बा आपको शौकत खानम का बता दूँ कि हमने जब मेरा सिर्फ शौकत खानम बनाने का सिर्फ मकसद एक था कि अमीर आद गरीब आदमी गरीब आदमी छोड़े पचानवे फ़ीसद नबे फ़ीसद पाकिस्तानी कैंसर का इलाज नहीं करवा सकते क्योंकि सबसे महंगा इलाज है तो वो मैंने तब सोचा कि गरीब आदमी अगर हम पैसे वाले लोगों के लिए इतना महंगा इलाज है तो गरीब आदमी के लिए तो इम्पॉसिबल है तो शौकत हनम का बेसिस वो था अब ये सोचें कि जब वो हॉस्पिटल बना तो हमें सब ने कहा कि गरीब का एक पहले ही बड़ा मुश्किल होता है कैंसर हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस जो चलाना उसका रनिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा होते हैं तो अगर आप गरीब का मुफ्त इलाज करेंगे तो हॉस्पिटल चलेगा ही नहीं तो हमारे जो बाहर से भी एडवाइज अपने बाहर से एडमिनिस्ट्रेटर मंगवाया उसने भी ये कहा कि अगर आपने पाँच फ़ीसद से ज़्यादा लोगों का मुफ्त इलाज किया बंद हो जाएगा हॉस्पिटल और वो फिर हॉस्पिटल ने मेरा ये जो ईमान पक्का किया कि जब आप गरीब के लिए और आ, हम खड़े रहे हमने वही किया कि सत्तर फ़ीसद का मुफ्त इलाज होगा तो ये दुनिया में कोई है एक प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल नहीं जो सत्तर फीसद मरीज़ों का मुफ्त इलाज करता है कोई नहीं है दुनिया में ऐसा और जब हमने किया तो जो ये मैं सिर्फ आपको फिगर देना चाहता हूँ कि जो सत्तर करोड़ में हॉस्पिटल बनता है वो आज गरीबों का नौ अरब रुपए का मुफ्त इलाज होता है हर साल नौ अरब रुपए का लेकिन हर साल पिछले साल से ज्यादा पैसा आ जाता है यानी यही कौम पैसे देती है जो सत्तर करोड़ का हॉस्पिटल था जिसने कहा चलेगा ही नहीं अगर आपने पांच फीसद से ज्यादा किया वहां सत्तर से भी पचहत्तर फीसद का मुफ्त इलाज होता है लेकिन हर साल पिछले साल से पैसा ज़्यादा आता है तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं कोई दुनिया का मार्केटिंग जीनियस हूँ कि ये मैं किधर से पैसे लिया ये नहीं है ये अल्लाह की बरकत आती है गरीब की आवाज सुनता है उसकी तकलीफ में उसकी दुआएं सुनता है और ये हमने फंडामेंटल गलती की है पाकिस्तान में हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि वो जो लोग जो नीचे तबका पीछे रह गया है उसके लिए हमने क्या करना है हमारी सारी सोसाइटी कैटर नहीं करती उन लोगों के लिए हमारी ये सबसे जन ये मुल्क में सबसे ज़्यादा जनरोसिटी है ये सबसे ज़्यादा खैरात देता है मुल्क लोग देते हैं लेकिन गवर्नमेंट जिसको लीड करना चाहिए था वो सारे सिस्टम्स ही बन चुके हैंट के लिए सब कुछ पाकिस्तान में हमारा सारा सिस्टम सिर्फ एक छोटे से एलिट को केटर करता है और और जब आप ये चेंज लेके आते हैं तो बड़ी रेजिस्टेंस आ जाती है इसके ऊपर तो ये मैं तो सरप्राइज नहीं हूँ कि इन्होंने बड़ा कहा आपको कि जी ये नहीं हो सकता हमेशा जब आप ये चीज़ करेंगे तो लोग कहेंगे ये नहीं हो सकता ये इन ये बड़ी मेहनत से आप तक यहाँ पहुँचे हैं इन ये ये, ये कामयाबी से चलेगा आपको प्रॉब्लम्स आएंगे आपके पास पूरी एक कमेटी मॉनिटरिंग करने के लिए बैठी होनी चाहिए जो कॉन्सटेंटली एवेल्यूट करेगी किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं प्रॉब्लम्स आएंगे आपको लेकिन आपको इसमें बहुत अल्लाह की बरकत आएगी जिसकी वजह से ये कामयाब होगा मैं सिर्फ ये कह दूं कि इस वक्त जब लोगों को मुश्किल है और महंगाई की वजह से हमें पता है कि नीचे लोगों को तकलीफ़ है लेकिन मैं लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि निचले तबके को हमारी तकलीफ ना हो इस इस टाइम पे जब के चीज़ें महंगी हैं तो मैं सिर्फ ये बता दूं कि दुनिया में तेल की कीमत पिछले चंद महीनों में 100 फीसद बढ़ी है पाकिस्तान में हमने सिर्फ 22 फीसद बढ़ाई है इस वक्त पाकिस्तान सवाए वो मुल्क जो 19 मुल्क हैं जिधर तेल खुद उसी यानी जो उधर से तेल निकलता है जिनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता स्वाए उनके उनके अलावा पाकिस्तान में वक्त सबसे कम कीमत पे हम डीज़ल और पेट्रोल बेच रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ 22 फीसद बढ़ाए हैं गंदम सैंतीस फीसद दुनिया में इसकी कीमत बढ़ी है ये जो सारा क्रंच आया है कोविड की वजह से दुनिया में जब सप्लाई लाइंस इफेक्ट हुई हैं तो इस वक्त सैंतीस फीसद पाकिस्तान में हमने सिर्फ बारह फ़ीसद बढ़ाई है चीनी दुनिया में चालीस फ़ीसद इसकी कीमत ऊपर गई है पाकिस्तान में हमने सिर्फ इक्कीस फीसद बढ़ाई है और ये वो मुल्क जो कि पहले हमें काफ़ी प्रेशर हमारे ऊपर फिस्कल डेफिसिट के और आपको पता है कि जो मुल्क में हमारे डेफिसिट्स हैं और जो कर्जे चढ़े हुए हैं उसके बावजूद हमने अपनी तरफ से पूरे कम से कम इम्पैक्ट डाला है निचले लोगों के ऊपर मैं सिर्फ आपको यह बता दूं कि हमने सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम की जो लेवी है अगर हम उसको ना नीचे ना लेके आते क्योंकि हमारा इसलिए सस्ता है हमारा क्योंकि हमने सेल्स टैक्स भी पूरा नीचे ले पेट्रोल पे और डीजल पे और लेवी भी नीचे ले आए हैं अगर हम ये ना नीचे लेके आते तो एक साल में गवर्नमेंट को 400 अरब रुपए का फायदा था तो हमने ये नीचे ला के जो हिंदुस्तान में इस वक्त दुगना है हमारे से पेट्रोल और डीजल तो वो क्यों दुगना है क्योंकि उन्होंने अपनी लेवीज नहीं कम की तो हमें एक साल में 400 अरब रुपए का हमें नुकसान किया सिर्फ कि, ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा ये जाहिर है लोगों को तकलीफ़ है कि कीमतें बढ़ गई हमें पता सबको लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि निचले तबके के ऊपर कम से कम इम्पैक्ट जाए और इन अब आने वाले दिनों में हम एहसास का अपना टारगेटेड सब्सिडीज़ का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और इससे हम निचले हाउस होल्ड्स को 40 फ़ीसद निचले हाउस होल्ड्स को डायरेक्ट सब्सिडी देंगे उनको यही कमोडिटीज़ गंदम के ऊपर और आटे के ऊपर और और चीनी के ऊपर और ये जो घी घी दुनिया के अंदर जो आ, जो हम इंपोर्ट करते हैं तकरीबन हमारा पचहत्तर फीसद इम्पोर्ट होता है जो पाम ऑयल की कीमत वो तकरीबन अस्सी फ़ीसद बढ़ गई है तो वो जो अगर यहाँ ऊपर गया तो क्योंकि इम्पोर्ट कर बेसिकली इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है चालीस लाख टन हमने पिछले साल गंदम इम्पोर्ट की है तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की वजह से इस वक्त महंगाई हम ये समझते हैं कि एक तो हम टारगेट सब्सिडीज से, से डील करेंगे दूसरा आने वाले दिनों में ये जब सप्लाई का ये जो प्रॉब्लम्स कम होंगे तो इन कमोडिटी की कीमत दुनिया में जब नीचे आएंगे तो फिर भी हमारे मुल्क में भी नीचे आ जाएंगे। फिर से मैं आप सबको शौकत आपकी आपकी सारी टीम को जितने भी जो आपने ये जो कंसल्टेशंस करके यहाँ तक पहुँचे हैं मैं उन सबको आज खराज तहसीन पेश करता हूँ शुक्रिया